नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 300 के बारे में, जिसका इंतजार खत्म हो चुका है और हाल ही में 14 फरवरी 2019 को महिंद्रा ने इसे ऑफिशियली लॉन्च किया है, इसकी प्राइसिंग अनाउंस की है। इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में किसी भी कंपैरिजन, डिटेल्स, डायमेंशन, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स पर बात नहीं करेंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली फोकस करेगा उन सारे रीजंस पर और तथ्यों पर जिनके चलते आपको ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं लगेगी और आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। कई सारी कमियां यहाँ पर रह गई हैं, उन कमियों पर हम बात करेंगे और आपके हार्ड एंड मनी को बचाना मेरी कोशिश है। इसी तरीके से एक वीडियो मैं वैगनआर पर भी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आप लोगों का काफी सारा प्यार उस वीडियो को मिला, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, इस गाड़ी की प्राइसिंग अनाउंस का इवेंट भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं, जरूर चेक कर लीजिएगा। किसी भी गाड़ी को मार्केट में स्टैंड करने के लिए उसकी प्राइसिंग की फैक्टर जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक इस गाड़ी की प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुई थी, तब तक सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने इसके रिव्यूज किए, वॉक अराउंड किया, इसके फीचर्स बताए या कंपैरिजन के वीडियोस बताए, उन लोगों ने इस गाड़ी की तारीफों के फूल बांधने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। महिंद्रा भी मार्केटिंग के तौर पर यह क्लेम कर रही थी दैट इट्स गोना बी अ हेड टर्निंग डिजाइन, लेकिन जैसे ही आसमान छूने वाली प्राइस अनाउंस हुई, सबके मुंह एक्चुअली हेड टर्न्स हो चुके हैं और अब कंज्यूमर्स के दिमाग में या मेरे जहन में ये सवाल है कि हमें सच में ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है मेरे पास में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और जो आपको एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। और उससे पहले, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हमारे जवानों पर जो भी आतंकवादी हमला हुआ है और जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उन सभी को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और मुझे ये उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हमारी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज, हमारी मिलिट्री फोर्सेस और हमारी गवर्नमेंट इसमें सक्षम है कि वो आतंकवादियों को उनके किए की सजा, उसका जवाब जरूर देगी। उड़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, एक्सयूवी 300 के लिए जब प्राइस अनाउंस का लॉन्च इवेंट चल रहा था, उस वक्त महिंद्रा की तरफ से ये स्ट्रेट अवे क्लेम किया गया, ऑफिशियली बताया गया कि कंपटीशन के तौर पर वो सिर्फ विटारा ब्रेजा और इको स्पोर्ट्स को ही अपना राइवल या कॉम्पिटिटर मानते हैं। सबसे बड़ी और पहली गलती यहाँ पर महिंद्रा ने यही कर दी। काफी सारी कमियां और काफी सारी गलतियां हैं जिन पर हम धीरे धीरे से बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी और पहली गलती यहीं पर की है महिंद्रा ने, कि उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिशन सिर्फ ब्रेजा और इको स्पोर्ट्स के साथ होगा, जबकि महिंद्रा ये भूल गया कि नेक्सॉन को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्सॉन भारत की सबसे सेफेस्ट व्हीकल है जो 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और सबसे कम कीमत में सब 4 मीटर सेगमेंट की एसयूवी है। तो पहली गलती जहां पर उन्होंने नेक्सॉन को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। महिंद्रा की कमियों को धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। महिंद्रा ये क्लेम करता है और जो कि फैक्ट भी है, फैक्ट्स के तौर पर एक्सयूवी 300 का जो व्हील बेस है वो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, यानी कि है 2600 mm। इतना बड़ा व्हील बेस होने के बावजूद भी महिंद्रा इसमें स्पेस क्रिएट करने में सक्षम नहीं हो पाया, वो इसमें गाड़ी के अंदर स्पेस क्रिएट नहीं कर पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताना चाहूंगा तो रियर सीट पर अगर हट्टे कट्टे 3 लोग बैठेंगे तो बीच वाला जो पैसेंजर है उसके लिए काफी दिक्कत हो सकती है। नी रूम, लेग रूम, हेड रूम और 3 लोगों के लिए सफिशियंट हट्टे कट्टे लोगों को बैठने का स्पेस सफिशियंट नहीं है, यह है पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सेगमेंट में सबसे लोवेस्ट है। इतना बड़ा व्हील बेस होने के बावजूद भी महिंद्रा एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं क्रिएट कर पाई है, जबकि कॉम्पिटिशन में नेक्सॉन आपको ऑफर करता है 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इको स्पोर्ट्स आपको ऑफर करती है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और ब्रेजा आपको ऑफर करती है 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये है दूसरी गलती, सबसे बड़ा व्हील बेस होने के बावजूद भी ये आप नहीं कर पाए हैं, इसे महिंद्रा को नहीं भूलना चाहिए। रियर सीट पर कंफर्ट और कन्वीनियंस और स्पेस की कमी होना। अगली चीज है दोस्तों, गाड़ी में बूट स्पेस की कमी होना। अगर इसे टिवोली के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और सबसे लंबा व्हील बेस है, उसके बावजूद भी
XUV300 आपको सिर्फ 260 से लेके 265 लीटर का अप्रोक्सीमेट बूट स्पेस ऑफर करती है। वहीं पर अगर कंपटीशन की बात करें तो वो अलग है, बिना कंपटीशन के अगर हम वैगन आर की बात करें तो वो भी इससे ज्यादा यानी कि 340 लीटर का बूट स्पेस देती है, और रेनो की क्विड जो भी कंपटीशन में नहीं आती है वो भी 300 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है दोस्तों। और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर नेक्सॉन 350 लीटर का बूट स्पेस देती है, इको स्पोर्ट्स ऑफर करती है 341 लीटर का बूट स्पेस, और ब्रेजा आपको देगी 328 लीटर का बूट स्पेस। तो ये तीसरा एक बहुत ही बड़ा रीजन है या कमी है महिंद्रा की तरफ से। आगे की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों, जहां पर डीजल इंजन के NVH लेवल बहुत ज्यादा है इस गाड़ी के, कंपेयर टू फोर्ड के आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही बेहतर है फोर्ड इको स्पोर्ट्स की, NVH लेवल भी बहुत कम है, तो उस पर भी महिंद्रा को काम करना चाहिए था। कुछ और कमियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि रियर AC वेंट्स नहीं दिए गए हैं। गाड़ी में 3 स्टीयरिंग मोड्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन एक लेमैन टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो एक आम इंसान होता है, लेमैन होता है, तो बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे, अगर उनकी एक्सपीरियंस और ड्राइविंग एक्सपर्टीज को साइड में किया जाए तो बहुत कम लोगों को वो मोड में डिफरेंस पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं और स्टीयरिंग की वेट रेशियो में और पावर में, उसके पकड़ने में, उसके फील में क्या डिफरेंस आता है। अगला फीचर है दोस्तों, बट वो है ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। मैनुअल AC में आपको ऑलरेडी वेंट के पास में बटन दिए होते हैं, आप फ्लो को कम ज्यादा या कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं, और वहां से को पैसेंजर अपने लिए टेम्परेचर ऑलरेडी मेंटेन कर सकता है। यहां पर आपने एक बटन एडिशन लगा के गाड़ी की कॉस्ट इंक्रीज कर दी है, ये भी एक मुझे कमी के तौर पर लगी महिंद्रा XUV300 में। अब मुड़ते हैं प्राइसिंग की तरफ। किसी भी गाड़ी के लिए गाड़ी की प्राइसिंग उसे मार्केट में स्टैंड करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक महिंद्रा की XUV300 की प्राइस अनाउंस नहीं हुई थी, लोग इसके तारीफों के फूल बांध रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस अनाउंस हुई है, प्राइस ने आसमान छू लिया है, और कई सारी जगहों पर ये हो रहा है कि कॉम्पिटिशन के चलते, अगर मैं आपको बताऊं तो इको स्पोर्ट्स का जो टिटेनियम डीजल का मॉडल है वो XUV300 के W8 ऑप्शनल वेरिएंट से तकरीबन 2 लाख रुपए सस्ता है। उसमें अगर आप 18,000 जोड़ दें तो आपको मारुति ऑल्टो 800 आप घर ला सकते हैं, यानी कि उसी कीमत में आपको 2 गाड़ियां मिल सकती हैं। ब्रेजा की अगर हम बात करें तो ZDI प्लस से W8 ऑप्शनल का मॉडल भी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए ज्यादा महंगा है, उसमें भी अगर आप 18,000 और जोड़ें तो ऑल्टो 800 का बेस वेरियंट प्लस आपको ब्रेजा आपके घर पे मिल जाएगी। नेक्सॉन की अगर पेट्रोल ऑप्शंस की हम बात करें तो XT जो बेस वेरिएंट है वो 2.5 लाख रुपए सस्ता है, XZ पेट्रोल वेरिएंट 3,28,000 रुपए सस्ता है, XZ प्लस 2,46,000 यानी कि 2,46,000 सस्ता है, और XZ प्लस ड्यूअल टोन रूफ की अगर मैं बात करूं तो वो भी XUV300 से 2,25,000 सस्ता है। ये जो भी कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके सारे डिटेल्स मैं आपको प्राइस के साथ में स्क्रीन पर दे दूंगा। XUV300 के अलावा जो भी प्राइसेस मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ किसी भी गाड़ी के लिए, वो एक्स शोरूम कॉस्ट मुंबई है। आपकी सिटी में एक्चुअल प्राइसेस जानने के लिए आपको नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। नेक्सॉन के डीजल वेरियंट की अगर मैं बात करूं तो XT जो बेस वेरियंट है डीजल का वो XUV300 से 2,18,000 सस्ता है, XZ वेरियंट 2,77,000 सस्ता आएगा आपको, XZ प्लस डीजल वेरिएंट नेक्सॉन का 2,08,000 रुपए सस्ता आएगा दोस्तों, और XZ प्लस जो डुअल टोन रूफ के साथ में आएगा वो भी आपको 1,87,000 XUV300 के डीजल वेरिएंट से सस्ता मिलने वाला है। W8 ऑप्शनल वेरिएंट जो है, जिसे आपने कॉन्फिगर किया है और जो सिर्फ आपको W8 के साथ में ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शनल पैक सिर्फ W8 के साथ में मिलेगा, ये बहुत बड़ी गलती है महिंद्रा की, बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आप फीचर भी नहीं दे रहे हो और प्राइस भी ज्यादा ले रहे हो कंपेयर टू द मार्केट कॉम्पिटिशन। ये आपको नहीं करना चाहिए था। नेक्सॉन अब तक की इंडिया की सबसे सस्ती SUV है, वैल्यू फॉर मनी है, 5-स्टार सेफ्टी के साथ में आती है, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब मुड़ते हैं कंपटीशन की तरफ। सीधा सीधा कंपटीशन नेक्सॉन इको स्पोर्ट्स और ब्रेजा का है।
जहां तक नेक्सॉन की हम बात करें, 5-स्टार सेफ्टी के साथ आती है, आपके पास 7 एयरबैग्स है, आपकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, लेकिन नेक्सॉन ऑलरेडी पहली गाड़ी बन चुकी है जो 5-स्टार लेके आ चुकी है। अगर आप कितनी भी कोशिश करें तो भी आप चांस से और एक्स्ट्रा 5-स्टार तोड़कर नहीं ला सकते अपनी गाड़ी के लिए। आपकी गाड़ी का जब भी क्रैश टेस्ट होगा आपको भी 5-स्टार ही मिलने वाले हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। मुड़ते ब्रीजा की तरफ, भले ही मारुति की गाड़ी या टीम का डिब्बा हो और मारुति टीम के डिब्बे ही बनाती हो, लेकिन इस गाड़ी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये एनकैप 4-स्टार रेटिंग के साथ आती है और एनकैप 4-स्टार रेटिंग की रिस्पेक्ट डेफिनेटली करनी पड़ेगी, इसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। और जहां तक फोर्ड इको स्पोर्ट्स की बात है, वो इंटरनेशनली टेस्टेड है, वही सारे वेरिएंट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर भेजे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, 6 एयरबैग के साथ में आती है और सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आते हैं, इसकी क्वालिटी के आसपास भी आप फटक नहीं सकते। उसके चलते आप क्या ऑफर कर रहे हो, सेफ्टी और प्राइसिंग एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था आपके पास में, जिसके चलते आप सेगमेंट में गेम चेंजर बन सकते थे और इसका भरपूर फायदा अपनी गाड़ी के लिए उठा सकते थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि महिंद्रा ने कंप्लीटली इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, इसे गंवा दिया है। फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंट वाइज सही ना होना ये भी एक कमी है और यहाँ पर 7 एयरबैग्स को ऑप्शनल में देके महिंद्रा ने अपने आप अपने पाँव पर एक कुल्हाड़ी मार ली है। महिंद्रा को ये करना चाहिए था कि बेस वेरिएंट से ही 7 एयरबैग्स सभी में दे देने चाहिए थे, क्योंकि प्राइसिंग जो आपने अनाउंस की है वो आसमान को छू रही है और कंपैरेटिवली कितनी हाई प्राइसिंग है ये मैं आपको अभी हर एक कॉम्पिटिटिव मॉडल के साथ में बता चुका हूँ। महिंद्रा को प्राइस काफी अग्रेसिव रखनी चाहिए थी, कॉम्पिटिटिव रखनी चाहिए थी। मुझे लगता है महिंद्रा को कॉम्पिटिशन के चलते 1,00,000 रुपये से लेके 1,25,000 या 1,50,000 का गैप रखना चाहिए था और अपनी गाड़ी को सस्ता रखना चाहिए था। उसके लिए महिंद्रा को ये करना चाहिए था कि प्राइस सस्ती रखते और मारुति जैसे हमेशा अपनी सारी गाड़ियों में करती है उसी तरह हर एक वेरिएंट के साथ में अगर एक ऑप्शनल वेरिएंट देते जिसमें 7 एयरबैग्स का ऑप्शन अवेलेबल होता, तो प्राइस ऑलरेडी आप काफी हाई रख चुके हो और ये ऑप्शन अगर आप देते तो आपकी गाड़ी की सेल में बहुत ज्यादा इजाफा होता और आप मार्केट को लीड कर सकते थे। ये मौका भी आपने यहाँ पर गंवा दिया है। जहां तक बात करें नेक्सॉन की जो सेफेस्ट कार है उसमें सिर्फ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं आते हैं, 7 एयरबैग्स नहीं आते हैं और आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स नेक्सॉन में आते हैं। ड्यूल टोन रूफ का ऑप्शन भी नेक्सॉन में मिलता है और वो भी आपकी गाड़ी से 1,87,000 सस्ते में आता है। तो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं है आता कि महिंद्रा की थिंक टैंक या जो भी टीम इस प्रोडक्ट के पीछे है वो क्या लॉजिक लगा रही थी और किस लॉजिक के तहत उन्होंने उसकी प्राइसिंग अनाउंस की है। मुझे लगता है कि आने वाला समय XUV300 के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक और कमी मुझे यहाँ पर लगी दोस्तों कि ऑटोमेटिक ऑप्शन का ना होना, जहां पर कि कॉम्पिटिशन में जितनी भी गाड़ियां हो रही मार्केट में अवेलेबल है वो सभी के सभी ऑटोमेटिक ऑप्शन दे रहे हैं। सबके पास ऑटोमेटिक का अवेलेबल होना प्लस XUV300 के मैनुअल वेरिएंट से सस्ते में ऑटोमेटिक अवेलेबल होना, ये भी एक महिंद्रा के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है, बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। फ्यूचर कंपटीशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किया का SP कॉन्सेप्ट जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। आई एम श्योर किया मार्केट डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे तरीके से नजर गड़ाए बैठी होगी और इस डेवलपमेंट को देख रही होगी। वहीं ह्युंडई भी इस सेगमेंट में एक गाड़ी लॉन्च करने की तैयारी में है और जो भी कॉम्पिटिशन अभी अवेलेबल है उसके चलते सेगमेंट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम रह गया है। उसके चलते अगर इतनी सारी गलतियां महिंद्रा की तरफ से की जाएगी तो उनको बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे लगता है इनिशियल सेल XUV300 को अगले 3 से 6 महीनों के लिए डेफिनेटली मिल जाएगी, जो कि कंपनी का गुडविल है और जिन्होंने भी प्री बुकिंग करके रखी होगी उसके चलते ये सेल डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन धीरे 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 आने वाले समय में XUV300 की सेल कम होती जाएगी, वो गिरती जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने एक प्रोडक्ट के तौर पर महिंद्रा के सामने ऑलरेडी था, जो कि है महिंद्रा अल्टुरस, जिसे महिंद्रा को इस पर गौर करना चाहिए था लेकिन वो ये भी यहाँ पर भूल गए हैं। महिंद्रा बेसिकली हमारी कंट्री में एक ऐसी कंपनी है जो खेड़े, गांव, देहाती इलाके में बहुत ही ज्यादा, यानी कि रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल ब्रांड है।
सिटी कंज्यूमर्स में महिंद्रा को उतनी रिस्पेक्ट अभी तक नहीं मिलती है जितनी बाकी सारे ब्रांड्स ऑलरेडी सिटी मार्केट में उठा चुके हैं। सिटी का कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंपैरिजंस करता है, सोच विचार करता है, कई सारी रिसर्च करता है और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट चूज करता है। उसके चलते मुझे लगता है XUV300 एक पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसे महिंद्रा ने सिटी के लिए बनाया था और इसका फायदा वो उठा सकते थे अपने आप को सिटी मार्केट में भी स्टेबल करने के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर महिंद्रा ने गंवा दी है। वो रेस्पेक्ट महिंद्रा को यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसका एक और रीजन है दोस्तों कि सेफ्टी और फीचर्स वाली जो गाड़ी है आप वो दे नहीं रहे हो, प्राइस आसमान को छू चुकी है और जो सेफ्टी वाली फीचर्स है सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी है वो टॉप वेरिएंट में आपने दे दिए। अब जो बेस वेरिएंट है वो एक मैच बॉक्स के खाली डिब्बे की तरह है जिसमें तीलिया यानी कि मैच की गाड़ी या स्टिक नहीं है, तो खाली डिब्बे को लेकर कंज्यूमर क्या करेगा, ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान इसके चलते महिंद्रा को उठाना पड़ेगा। फीचर्स आपके पास है नहीं, जो बेस्ट हैं वो सारे टॉप एंड में हैं। सेफ्टी और प्राइस की अगर हम बात करें तो मार्केट में ऑलरेडी बेहतर ऑप्शन है जैसे कि इको स्पोर्ट्स है जिसके पास में स्पेस है, कंफर्ट है, बिल्ड क्वालिटी है, कई सारी चीजें जिसके आसपास आप भटक नहीं सकते। आपकी गाड़ी में कमियां क्या है, इसके बावजूद कि सबसे बड़ा व्हील बेस है आप स्पेस नहीं क्रिएट कर पाए, आपकी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं दे रही है, आपकी गाड़ी के पास में ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, क्वालिटी भी इतनी शानदार नहीं है जो कि फोर्ड की इको स्पोर्ट्स को बीट कर सके। WRV जो होंडा की है वो सबसे पहले सनरूफ देने वाली एक गाड़ी थी इंडियन मार्केट में, जो कि धीरे 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 अपनी सेल को चुपके से उस कछुए की स्टोरी की तरह इंक्रीज किए जा रही है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े जा रही है। तो इन सारी चीजों पर मुझे लगता है महिंद्रा की थिंक टैंक की तरफ से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की गई है और ये डेफिनेटली बहुत ही मार्केट को डुबो देने वाली यानी कि अपने प्रोडक्ट को किल करने वाली ओवर प्राइस्ड प्राइसिंग महिंद्रा की तरफ से अनाउंस की गई है। ब्रेजा सेगमेंट में जो कंपटीशन है उनके पास में ऑलरेडी मेडल्स ऑलरेडी तमगे पहुंचे हुए हैं और वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर आप ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा अपने आप को उस मेडल के साथ रिप्रेजेंट करती है कि ये सबसे फ्यूल इफिशियंट कार है, सबसे बेस्ट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सेगमेंट में आपको ऑफर करेगी। नेक्सॉन सेगमेंट की सबसे सस्ती 5-स्टार रेटेड और सस्ती SUV है जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट का तमगा लेके खड़ी है। इको स्पोर्ट्स बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, राइड एंड हैंडलिंग 6 एयरबैग के साथ में और सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती है, उसे आप किसी भी एंगल से बीट नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि XUV300 हो सकता है क्रेटा की कुछ सेल खींच पाए लेकिन उससे ज्यादा मार्केट में ये गाड़ी कुछ डैमेज कर पाएगी और अपने आप को खड़ा कर पाएगी ऐसे मुझे नहीं लगता है दोस्तों। इन सारी चीजों का अगर मैं सिनॉप्सिस या शॉर्ट में इवेल्युएशन करूं तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि आने वाला वक्त XUV300 के लिए एक अच्छा वक्त होने वाला है। कॉम्पिटिशन के चलते एक ऐसा पॉइंट आता है जो दोस्तों जहां पर कि नेक्सॉन के मुकाबले XUV300 328,000 महंगी है, जिसके चलते आपको एक अच्छी फीचर रिच और सेफ्टी लोडेड नेक्सॉन आ जाएगी। उस 328,000 में 218,000 माइनस करोगे तो एक ऑल्टो आ जाएगी और बची हुई अमाउंट में एक आप अच्छा खासा पेमेंट करके अपने लिए एक बुलेट क्लासिक खरीद सकते हो जिसमें थोड़ी बहुत रकम आपको एडिशनली देनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा कॉम्पिटिशन गैप प्राइस में होना अपने आप में महिंद्रा की XUV300 को इस कॉम्पिटिशन में खून करने के लिए काफी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आज भी आप इको स्पोर्ट्स की क्वालिटी को सेगमेंट में सबसे बेहतरीन मानते हैं, क्या आप ब्रेजा को सेगमेंट की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार मानते हैं या फिर टाटा की नेक्सॉन को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट 5-स्टार रेटेड सेफ्टी के साथ में सबसे अडोरेबल प्रोडक्ट सेगमेंट का मानते हैं, आपकी क्या राय है मुझे बताना मत भूलिएगा। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
और हमेशा की तरह दोस्तों जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।